जय श्री राम दोस्तों। तो राम मंदिर इनॉग्रेशन सेरेमनी के बाद यूपी गवर्नमेंट ने 23 जनवरी से मंदिर को आम जनता के लिए ओपन कर दिया है। जो अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग इनॉग्रेशन सेरेमनी के बाद दे आर एक्सपेक्टिंग 3-5 लाख विजिटर्स पर डे फॉर एटलीस्ट अ मंथ। इसी की वजह से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बूम देखा जा सकता है। अगर बात करें पर नाइट कॉस्ट की तो ये 10K से लेके 80K तक भी है होटल्स में फॉर दिस इनोग्रेशन वीक। अगर बात करें अयोध्या के टेंट सिटी की तो वहाँ पे 30 लग्जूरियस ऐसी टेंट्स हैं जो कि फर्स्ट वीक के लिए ऑलरेडी बुक्ड है विद द रेट ऑफ 30K पर नाइट स्टे विद 100% ऑक्यूपेंसी। इससे डिमांड की वजह से बहुत सारी लग्जूरियस होटल चेन्स आर नाउ ओपनिंग देयर होटल्स ओवर देयर। एज पर अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी 73 न्यू होटल्स चेन्स लाइन में है टू ओपन अप देयर होटल्स एंड उसमें से 40 तो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। रेडिसन होटल चेन जो कि फर्स्ट इंटरनेशनल होटल चेन है जो वहाँ पे अपने होटल ओपन कर रही है जिसमें 80 रूम्स होंगे एंड बुकिंग ऑलरेडी फर्स्ट जैन से स्टार्ट हो चुके हैं एंड पर रूम का जो स्टे है वो 30K पर नाइट है। अगर इंडियन होटल चेन की बात करें तो वहाँ पे 2 न्यू 5-स्टार होटल्स ओपन होंगे जो नेक्स्ट 3 ईयर्स में ऑपरेशन हो जाएंगे। इसके साथ जो लोकल ओनरशिप है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज हैं अर्न करने की। एज पर ऑफिशियल्स उन्होंने 500 होम स्टेज सेंक्शन किया है और ये होम स्टेज रजिस्टर्ड हैं यूपी टूरिज्म होली अयोध्या पे। तो अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि हाउ इट विल बेनिफिट द नॉर्मल इन्वेस्टर्स। तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट रील बनाई है जिसका लिंक मैं अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें मैंने बताया है कि कौन से पर्टिकुलर सेक्टर डायरेक्टली बेनिफिटेड होंगे ग्रैंड ओपनिंग के बाद। तो नाउ लेट्स सी हाउ वर्ल्ड लीडर्स व्यू इंडिया इन 2024। द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया इज वन ऑफ द विल बी वन ऑफ द डिफाइनिंग रिलेशनशिप्स ऑफ द 21st सेंचुरी। द ब्राइट स्पॉट ऑफ द ग्लोबल इकॉनमी। The growth rate for India, which is 6.8 in 2022, let's not forget, this is one of the bright spots in the global economy right now, such a high growth rate. The potential of India is enormous, and you have now a reformer, a radical reformer, who has the ability to transform it. On the verge of a big transformation. It's Amrit Kaal mein. हमारे संकल्पों की सिद्धि हमें आजादी के 100 वर्ष तक ले जाएगी। A magnet for investment. I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. So stay tuned with me for more information like this. Thank you so much.